हरियाणा में 25 मई को मतदान करवाया जाएगा। जैसे जैसे 25 मई नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। सभी उम्मीदवारों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आज कैथल जिले में भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल, गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता व कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का दौरा था। सुबह सुबह नवीन जिंदल सेक्टर 1920 के ताऊ देवी लाल पार्क में पहुंचे। यहाँ उन्होंने सैर के साथ साथ लोगों से बातचीत की और एक्सरसाइज करते हुए खूब पसीना बहाया। जिंदल द्वारा सुबह की सैर व एक्सरसाइज को देखकर पार्क में घूमने के लिए आए लोग भी दंग रह गए थे और बोल रहे थे कि नवीन जिंदल अपनी सेहत को लेकर कितना जागरूक हैं। जिंदल ने भी लोगों से कहा कि अगर हम स्वस्थ हैं तब हम अपने परिवार व देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से भी अपनी सेहत के प्रति फिट रहने की अपील की। नवीन जिंदल ने सुबह सबसे पहले अपना प्रचार गांव कुलतारण से शुरू किया। इसके बाद जिंदल गांव जगदीशपुरा में पहुंचे। गांव में पहुंचते ही नवीन जिंदल ने गुरुद्वारे में माथा टेका और उसके बाद लोगों के बीच पहुंचे। नवीन जिंदल के साथ विधायक लीला राम, सुरेश गर्ग नौज, राव सुरेंद्र सिंह, राजपाल तंवर व अन्य नेता उपस्थित थे। देखें नवीन जिंदल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए क्या कहा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। इन चुनावों का असर पूरे देश पे होता है। पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। किसके हाथों में हम अपने बच्चों का भविष्य दें, हमारे नौजवानों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, किस पार्टी के हाथों में सुरक्षित है, किस व्यक्ति जिसको आप वोट देते हैं किस सांसद के हाथों में सुरक्षित है। मेरा आपसे नाता 30 साल पुराना है, मेरे पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी का जोड़ा हुआ। 10 साल मुझे भी आप लोगों की सेवा का मुझे मौका मिला। आप उन 10 सालों के अंदर आप अपने बेटे को, अपने सांसद को, अपने भाई को किसी के भी मुकाबले में आप आकलन कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि जिस तरह से मैंने 10 साल काम किया, गांव गांव काम किया, गांव गांव शौचालय बनाए, कई मेडिकल कैंप, कई आंखों के ऑपरेशन, युवाओं के लिए खेलने का सामान, जिम का सामान, मैं चाहता था कि मेरे युवा साथी नशे से दूर रहे। जिस तरह से मैंने संसद के अंदर काम किया, संसद के अंदर धूम्रपान करते थे, मैंने संसद से जाते साथ ही धूम्रपान बंद करवा दिया हमेशा के लिए संसद से। और बहुत से जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के, माताओं बहनों के, सारे सारे मुद्दे जो है संसद में उठाए और बहुत से मुद्दों के ऊपर कामयाबी भी मिली। अभी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मैं भी, विधायक जी भी और भारतीय जनता पार्टी की सारे नेतागण, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी आपसे हम विनती करने के लिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिले 25 तारीख को। और पहले के मुकाबले जैसे मैं पहले काम करता था, अब मुझे और अनुभव हुआ है 10 साल का, जितना पहले करता था आने वाले समय में और उसका 10 गुना मैं आपको करके दिखाऊंगा काम। मैंने अपने युवा साथियों के लिए, युवा साथी जो रोजगार चाहते हैं, मैं उनको जो है कौशल विद्या केंद्र यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जो अमेरिका में कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी कॉलेजेस का, तो हिंदुस्तान का नहीं, मैं दुनिया के सबसे अच्छे 2 सेंटर लाऊंगा, एक कैथल में, एक कुरुक्षेत्र में, जहां पर 10,000 बच्चे हर साल ट्रेनिंग पाकर, वो जो ट्रेनिंग होगी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, यूएसए, कनाडा, उनसे मान्यता प्राप्त उसे ट्रेनिंग होगी उनके मापदंडों के हिसाब से, ताकि जो है हमारे युवा अगर विदेश जाना चाहता है कोई तो विदेश में भी अच्छी नौकरी मिलेगी, अगर भारत में रहना चाहता है तो भारत में भी उनको उनको बढ़िया उनको नौकरी मिलेगी। तो काम कर सकते हैं, अपने खुद पैरों के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं, खुद अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप ये सोच के देखो, अगर गांव में कोई अच्छा राजमिस्त्री है तो खाली बैठता है कभी, कोई बिजली मिस्त्री अच्छा खाली बैठता है, कोई प्लम्बर, किसी को भी अगर वो काम जानता है तो उसके लिए काम की कोई कमी नहीं। तो वहां पर जो है बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां पे सारी सारी नई नई चीजें उनको सिखाई जाएगी, नए नए औजार होंगे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। आप लोगों ने बहुत मान सम्मान किया, इतना जो बड़े बुजुर्ग माला पहना के अपना आशीर्वाद देते हैं, मन में एक ही बात आती है कि हे वाहेगुरु, हे ईश्वर,
इतनी हम सबको शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों की आशाएं हैं हम आप लोगों की आशाओं के ऊपर खड़े उतरे और आपका सर हमेशा फक्र से ऊंचा रखें।